और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज, और सलमान खान सैफ अली खान आपको सामने नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा कई लोगों से मैंने सुना, कई लोग कई भी ये भी कह रहे हैं कि रेस 3 में सलमान खान को शायद नहीं रहना चाहिए था, सैफ अली खान ही थर्ड पार्ट में होते तो ज़्यादा मज़ा आता, कहीं ना कहीं सैफ अली खान के साथ अच्छा नहीं हुआ, ये सब भी ऐसा सुनने में आया। लेकिन बाद में सैफ अली खान ने साफ कह दिया कि उन्हें 1-1.5 साल पहले से पता था कि जो प्रोड्यूसर है रमेश तौरानी, वो सलमान खान के साथ या किसी और हीरो के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे, इनको ना लेते हुए, यानी कि सैफ को ना लेते हुए। तो जो सैफ अली खान के फैंस हैं वो नाराज़ मत होइए, क्योंकि रेस 3 में सैफ अली खान का भी रोल है। जी हाँ, ये कंफर्म न्यूज़ है, इसमें आप कोई भी परेशान ना होइए, आपको सलमान खान के साथ सैफ भी नजर आएंगे। रोल ज़रूर छोटा होगा, कैमियो रोल होगा। मैं विकीपीडिया पे आया हूँ रेस 3 के, आपको बता दूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख सकते हैं रणवीर सिंह नाम का रोल प्ले करने वाले सैफ अली खान, ठीक है, तो एक कैमियो जरूर होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सैफ अली खान सलमान खान के साथ जब स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगे रेस में, तो बड़ा और अच्छा धमाल होगा। और ये कहीं ना कहीं जो अपसेट हो रहे हैं रेस के जो फैंस, आई मीन जो सलमान खान के फैंस नहीं, आई मीन जो सैफ अली खान के फैंस थे, वो ज़रूर इस बात से थोड़े खुश होंगे कि रेस में एटलीस्ट थोड़े ही सीन के लिए लेकिन सैफ अली खान ज़रूर दिखाई देंगे। तो ये न्यूज़ जान के कैसे लगा आपको जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।